हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। अध्यापक पात्रता परीक्षा के पर्यावरण अध्ययन के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत तथा ईंधन से रिलेटेड कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तर बताऊंगा, जो टेट की परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो या कोई अन्य कॉम्पिटिशन की परीक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोयले को वायु की अनुपस्थित में गर्म करते हैं तब निकलती है, अर्थात कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोक। आंसर होगा कोल गैस, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, चार ऑप्शन है, जलधारा, वायु, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात जलधारा, वायु और सूर्य का प्रकाश पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में मुख्यतः होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा ए, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। आंसर होगा डी, रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है सोलर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा। आंसर होगा सी, विद्युत ऊर्जा सरल ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन है मीथेन प्लस कार्बन, ब्यूटेन प्लस कार्बन, पेंटेन प्लस कार्बन, हेप्टेन प्लस कार्बन। आंसर होगा ए, मीथेन प्लस कार्बन बायोगैस के घटक हैं। अगला प्रश्न है, सौर सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है प्राकृतिक उपग्रहों में, कृत्रिम उपग्रहों में, सूर्य में, चंद्रमा में। आंसर होगा बी, कृत्रिम उपग्रहों में। अगला प्रश्न है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, मीथेन सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म स्थित है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, शिमला में, उत्तर प्रदेश में। आंसर होगा बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन। आंसर होगा ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, सीएनजी है एक, ऑप्शन है पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस। आंसर होगा बी, प्राकृतिक गैस, अर्थात सीएनजी प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है सीएनजी, डीजल, बायोगैस, केरोसिन। आंसर होगा सी, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी तीनों जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतया पाई जाती है, ऑप्शन है कोल तार, ब्यूटेन, कोल गैस, मीथेन। आंसर होगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है यानी सीएनजी का फुल फॉर्म है सेंट्रल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कोल्ड नेचुरल गैस। आंसर होगा बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, एलपीजी का विस्तृत रूप है यानी एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस, लाइम पेट्रोलियम गैस। आंसर होगा ए,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्रवीय ईंधन है? ऑप्शन है एलपीजी, सीएनजी, कैरोसिन, चारकोल। आंसर होगा कैरोसिन द्रवीय ईंधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जीवाश्मी ईंधन नहीं है? ऑप्शन है ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। आंसर होगा ए, ईंधन की लकड़ी जीवाश्मी ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, सौर सेल का उपयोग निम्न में से किसके लिए विद्युत उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे। आंसर होगा ए, उपग्रह। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन बने होते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन द्वारा, कार्बन प्लस नाइट्रोजन द्वारा। आंसर है सी, कार्बन प्लस हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोकार्बन्स बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, डीजल, मैग्नीशियम। आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बड़ा केंद्रक दो या दो से अधिक छोटे केंद्रकों में विभाजित हो जाता है कहलाती है? ऑप्शन है विखंडन, संलयन, ऊर्जा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, विखंडन। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनी होती है? ऑप्शन है लिथियम से, कैल्शियम से, पोटेशियम से, सिलिकॉन से। आंसर होगा डी, सौर सेल सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से बनता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन परॉक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हीलियम, लिथियम। आंसर होगा सी, हीलियम। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है विंड मिल द्वारा, टरबाइन द्वारा, सौर सेल द्वारा, पंचक्की द्वारा। आंसर होगा सी, सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है? ए विखंडन, बी संलयन, सी वात ऊर्जा, डी जलीय ऊर्जा। आंसर होगा बी, संलयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? ऑप्शन है सीमेंट, कांच, पत्थर, गोबर। उत्तर होगा डी, गोबर ज्वलनशील पदार्थ है। अगला है, द्रवित नोदक है? ऑप्शन है H2, पेट्रोल, हाइड्रोजन, सभी। आंसर होगा सी, द्रवित नोदक हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवितों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अर्थात जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट जीवितों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है? ऑप्शन है वायु तथा जल का, CO H2 तथा N2 का, CO तथा N2 का, CO तथा H2 का। आंसर होगा सी, CO तथा N2 का, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, श्वसन उदाहरण है? ऑप्शन है मंद दहन का, तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, मंद दहन का श्वसन उदाहरण होता है। आशा है मेरे द्वारा बताए गए पर्यावरण के आज के प्रश्न तथा उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल में क्लास 9th से 12th तक के बायोलॉजी के वीडियो तथा UPTET, CTET या अन्य कॉम्पिटिशन वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बायोलॉजी, इन्वायरमेंट अर्थात जीव विज्ञान तथा पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के वीडियो भी अपलोड किए हैं, और
आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।